दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 दिसंबर की दोपहर 1:18 से अगली सुबह 6:20 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग पूरा दिन और पूरी रात पार करके 25 दिसंबर की सुबह 7:36 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:24 से रात 11:40 तक और रात 1:56 से कल सुबह 7:12 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 25 दिसंबर की सुबह 7:36 से 8:38 तक और सुबह 10:20 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:11 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:42 तक रहेगा और फिर आज ही सुबह 10:24 से दोपहर पहले 11:52 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:11 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:42 तक रहेगा और फिर आज ही सुबह 10:24 से दोपहर पहले 11:52 तक भी रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 10:24 से दोपहर 2:52 तक और शाम 4:48 से रात 1:40 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 दिसंबर की दोपहर 1:19 से शाम 4:36 तक और शाम 6:50 से रात 1:44 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 10:24 से दोपहर 2:52 तक और शाम 4:48 से रात 11:40 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 6:02 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।